हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साथ एजुकेशन। तो दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, रेलवे की, किसी भी सेंट्रल एग्जाम या स्टेट एग्जाम लेवल एग्जाम की, जिसमें आर्ट एंड कल्चर एक टॉपिक है और उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर प्लेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग जो भी एसएससी रेलवे में एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी देखेंगे और भी हम थोड़ी अच्छे से देखेंगे, ताकि अगर नेक्स्ट में 2023 में या 24 में आपका एग्जाम है तो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक क्या है, प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। तो इस टॉपिक में अक्सर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये फलाना नाम दे देगा, जैसे कि किसी का नाम दे देगा, आप पूछेगा कि यह व्यक्ति कौन से इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, या फिर एक इंस्ट्रूमेंट दे देगा, ऑप्शन दे देगा कि इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले में से कौन है, ऐसे पूछ सकता है। या फिर पूछता है कि घराना, कि बहुत सारे घराना है, उन घरानों से भी सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन एसएससी में इस बार 2022 में एग्जाम हुए, रेलवे में जो एग्जाम हुए, मैंने सभी क्वेश्चंस को उठाया ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं इंडियन म्यूजिक किस तरह का है। भारतीय संगीत को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पहला है हिंदुस्तानी म्यूजिक और दूसरा कार्नाटिक म्यूजिक। आप सभी को पता होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ा है कि भारत में जो मुगल आए थे और उधर अफगानिस्तान पर्शिया उधर से जो लोग आए थे तो उनका प्रभाव पड़ा था हमारे, अक्सर बात करें तो थोड़े मिडिल इंडिया में और फिर नॉर्थ इंडिया में उनका प्रभाव पड़ा था। तो जब कोई व्यक्ति की मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप आता है ना, तो जब अफगानिस्तान पर्शिया इस तरफ से जब एक बहुत बड़ा ग्रुप आया था तो अपना कल्चर भी अपने साथ लेके आए थे, अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, ये सब लेके आए थे। तो उसमें उन लोग जो अपना बजाते थे इंस्ट्रूमेंट्स, वो सभी इधर कल्चर हमको देखने को मिला। तो हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पहला है हिंदुस्तानी म्यूजिक जो कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर अभी भी देखा जाता है, पहले भी नॉर्थ इंडिया में देखा जाता था, और कर्नाटिक म्यूजिक। कर्नाटिक म्यूजिक कहने का मतलब कर्नाटक में जो शुरू हुआ। कर्नाटक कहाँ है, साउथ में, यानी कि साउथ इंडिया में यह म्यूजिक जो प्ले किया जाता है उसको बोलते हैं कर्नाटिक म्यूजिक, और नॉर्थ इंडिया में जो प्ले किया जाता है उसको हिंदुस्तानी म्यूजिक बोलते हैं। अब देखिए, इसका जो प्रभाव पड़ा है कहाँ से आया, तो पर्शियन, अरेबियन, अफगानिस्तान, इधर के जो लोग आए, शासक आए, अपने साथ अपनी संस्कृति को लेते आए, तो उनका कंपाइलेशन है वो कह दीजिए आप हिंदुस्तानी म्यूजिक। और साउथ इंडिया का जो म्यूजिक है वो ओरिजिनेटेड इंडिया में ही है, मतलब भारत में ही कर्नाटका, केरला, इस सबके तरफ जो म्यूजिक शुरुआत हुआ उसको क्या बोलते हैं, कर्नाटिक म्यूजिक बोलते हैं। तो मतलब इंडिया का शुद्ध अपना कौन सा हुआ, कर्नाटिक म्यूजिक। इसके बहुत सारे सब टाइप्स भी है और इसके कोई सब टाइप्स नहीं है, मतलब जो मान लीजिए 50 साल पहले, 100 साल पहले जिस तरीके से म्यूजिक को बजाया जाता था आज उसी तरीके से बजाया जाता है, इनमें कुछ चेंजेस नहीं आते हैं, इनमें अभी कुछ चेंजेस आ चुके हैं। फिर अगला है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में कि क्वेश्चन था ऑक्टेव ऑफ नेचुरल नोट्स, या फिर हिंदी में बोले तो शुद्ध स्वर सप्तक किस म्यूजिक को कहा जाता है, और ऑप्शन में था हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक। तो आप सभी को याद रखना है कि शुद्ध स्वर सप्तक या फिर ऑक्टेव ऑफ नेचुरल नोट्स हिंदुस्तानी म्यूजिक को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हिंदुस्तानी म्यूजिक में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है वीणा, मृदंगम और घटम। आगे हमको जाने के लिए प्लेयर्स कौन कौन है आपको याद रखना है, वीणा, मृदंगम और घटम कहाँ के हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक जो कि नॉर्थ इंडिया में प्ले किए जाते हैं, और वायलिन और बांसुरी। वायलिन आप सभी ने देखा होगा, एक शाहरुख खान का भी वो मूवी है वायलिन वाला जिसमें बजाते हैं, तो वायलिन और बांसुरी अपने कृष्ण कन्हैया बजाते हैं। तो वायलिन और बांसुरी नॉर्थ इंडिया में भी उतना ही बजाया जाता है, साउथ इंडिया में भी उतना ही बजाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या नॉर्थ इंडिया में बजाया जाता है, वीणा, मृदंगम और घटम। फिर आप देखते हैं कर्नाटिक म्यूजिक जो कि क्या है, दक्षिण भारत का है। दक्षिण भारत में तबला, सारंगी, सितार, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स और भी लेकिन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है वो तबला, सारंगी, सितार, और जैसा कि मैंने कहा कि वायलिन और बांसुरी क्या है वह साउथ इंडिया में भी बजाया जाता है। तो आपको याद रखना है, तीन पॉइंट याद रखने, हिंदुस्तानी म्यूजिक कहाँ के हो गया, नॉर्थ इंडिया जो कि कहाँ का, पर्शियन, अफगान और फिर अरबियन, ठीक है, ये जो लोग आए थे तो यहाँ से अपना म्यूजिक लेके आए तो उसको क्या बोलेंगे, हिंदुस्तानी। फिर साउथ इंडिया जो कि कर्नाटका में ही उत्पन्न हुआ है इसलिए इसको कर्नाटिक म्यूजिक भी कहते हैं। और क्या याद रखना है, शुद्ध स्वर सप्तक या फिर ऑक्टेव ऑफ नेचुरल नोट्स किसको बोलते हैं, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक को बोलते हैं। वीणा, मृदंगम और घटम, वीणा, मृदंगम और घटम हिंदुस्तानी म्यूजिक, तबला, सारंगी और सितार क्या होते हैं, कर्नाटिक म्यूजिक। अब देखिए, अब जो है हिंदुस्तानी म्यूजिक के कुछ स्टाइल्स, मतलब यहाँ के जो
जो भी प्ले किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट उनको बजाने के कुछ स्टाइल्स है, तो उसमें आपको कुछ प्रमुख 10 है, ये प्रमुख 10 है जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, अगर डीप क्वेश्चन में पूछना चाहता है तो पूछ लेते हैं। तो ये हिंदुस्तानी म्यूजिक का, ये हिंदुस्तानी म्यूजिक का, ये आपको साउथ इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। पहला स्टाइल क्या है, संगीत का ध्रुपद धामद होरी, ध्रुपद धामद होरी ख्याल टप्पा कराना, ध्रुपद धामद होरी ख्याल टप्पा कराना, चतुरंग राम सागर और ठुमरी। देखिए सबसे ज्यादा क्या पूछा गया है, ठुमरी पूछा गया। ठुमरी तो आपको भूलना ही नहीं है, ठुमरी एक ऐसा स्टाइल है जो कि हिंदुस्तानी म्यूजिक या फिर नॉर्थ इंडिया में प्ले किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स और उनके प्लेयर्स। हम लोग देखेंगे पहला इंस्ट्रूमेंट सितार। सितार से रिलेटेड पहले फैक्ट्स देखेंगे, फिर देखेंगे इनके इनको बजाने वाले प्रमुख वादक कौन से हैं। तो सबसे पहले तो क्या, तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र अगर आपसे पूछे कि कौन सा है तो सितार है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा पुराने टाइम में जो सबसे पहले यूज किया गया इंस्ट्रूमेंट वो क्या था, सितार था। अब इसका जनक कौन है, तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आप सभी ने पढ़ा है हिस्ट्री में, आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि हाँ वे सबसे पुराने यही ग्रुप होगा। अमीर खुसरो को जनक भी बोलते हैं, सितार का या फिर आविष्कारक भी बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आविष्कार किसने किया, तो अमीर खुसरो। ये क्वेश्चन पूछा था इस बार CHSL, CHSL 2022 में जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया अमीर खुसरो। अब देखिए अब इसका निर्माण कैसे हुआ, तो वीणा और ईरानी तंबूरा, मतलब ईरान का एक तंबूरा इंस्ट्रूमेंट है और फिर वीणा, तो वीणा और ईरानी तंबूरा का एक कंबाइंड ग्रुप आप कह सकते हैं सितार। अब देखते हैं प्रमुख वादक, सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है आपको ये कभी भूलना नहीं है, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर आपको हमेशा याद रखना क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं। फिर विलायत खान, ये भी आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। साहिब परवेज, राजीव सनातन, इमदाद खानी, उमा शंकर मिश्र और जया विश्वास, ये सभी इस बार CGL में आए। देखिए SSC के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें चार क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, डांस से या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। कभी कभी तीन क्वेश्चन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पूछते हैं, एक क्वेश्चन डांस से, कभी दो इससे और दो डांस से। तो डांस में भी उनके पूछते हैं कि प्रमुख नर्तक कौन है, तो अगले वीडियो में मैं डांस को बताऊंगा। तो पहले इधर देखते हैं, इस बार CGL 2022 में जो एग्जाम हुआ है दिसंबर में, उसमें पूछा गया था साहिब परवेज के बारे में, राजीव जनार्दन जनार्दन इमदाद खाने के बारे में, उमा शंकर मिश्र के बारे में और जया विश्वास के बारे में। और विलायत का बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगेन मतलब बहुत ज्यादा रिपीट होते रहते हैं एग्जाम्स के। और पंडित रविशंकर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको भूलना ही नहीं है। तो ये आपको 5-6 नाम हमेशा याद रखने हैं, सितार बोलूंगा तो पंडित रविशंकर, विलायत खान, साहिब परवेज, राजीव जनार्दन, इमदाद खानी, उमा शंकर मिश्र और जया विश्वास आपको याद रखना है। कुछ अन्य नाम, ये इस बार के MTS एग्जाम हुए थे और MTS हुआ था और एक स्टैनो एग्जाम हुआ था। MTS और स्टैनो में ये कुछ नाम थे जो कि सितार वाले पूछे गए थे, तो ये मतलब इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये आपको हमेशा याद रखना है, इनको भी आप याद रखिएगा। सुजात खान, देबू चौधरी, बुद्धादित्य मुखर्जी और निखिल बनर्जी, तो ये 10 नाम है, आपको इस 10 नाम में से ये 5 हमेशा याद रखने ही है, इन 5 को भी याद रखिएगा। तो ये था सितार। अब हम लोग अच्छा एक क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के पहले ग्रैमी विजेता कौन है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि ग्रैमी पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ग्रैमी पुरस्कार का किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। और इसका आंसर क्या होगा, अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। ठीक है चलिए मैं आपको बता देता हूँ, भारत के पहले ग्रैमी विजेता है रविशंकर साहब। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या जीता था, ग्रैमी जीता था भारत के लिए, पंडित रविशंकर। तो आपको याद रखना पंडित रविशंकर सबसे पहले पुरुष थे जिन्होंने भारत के लिए ग्रैमी जीता था, और क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग दूसरा इंस्ट्रूमेंट देखते हैं संतूर। संतूर एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो क्या, कश्मीर में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है संतूर। सबसे ज्यादा कहाँ बजाया जाता है, तो कश्मीर के वादियों में बजाया जाता है। सूफी संगीत यह क्या है, एक तरह का सूफी संगीत है। फिर इसका अगर आकार पूछता है कि संतूर दिखता कैसा है, तो चतुर्भुज आकार बक्सानुमा आकार होता है। और इसके प्रमुख वादक कौन है, शिव कुमार शर्मा। आप लोगों ने एक एड भी देखा होगा शिव कुमार शर्मा का, या फिर आप संतूर जो एक साबुन है उसका उसे याद रख सकते हैं कि संतूर शिव कुमार शर्मा। हाँ एक और तार इसमें कितने होते हैं, इसमें 7 तार होती है। मतलब जैसे अगर आपने सितार बिना देखा होगा तो उसमें जो तार लगे होते हैं, गिटार तो देखा है,
उसी तरीके से संतूर में क्या होता है, 60 तारे लगी होती है। तो एग्जाम में ये भी पूछा था रेलवे के एग्जाम में कि संतूर में कितने तार होते हैं, तो 60 तार होते हैं, याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, शिव कुमार शर्मा, ये आपको नहीं भूलना है। जैसे उसमें रविशंकर नहीं भूलना था, इसमें शिव कुमार शर्मा नहीं भूलना है। प्रभुपादक यही है संतूर के। पिता इनके कौन थे, उमादत्त शर्मा, इनके तबला बजाते थे, मतलब पिता उमादत्त शर्मा तबला बजाते थे, एक वोकलिस्ट थे, और शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे, संतूर। इनको मतलब इनका एक एल्बम है कॉल ऑफ द वैली, पूछा था इस बार सीजीएल के एग्जाम में। ये कब पूछा, सीजीएल 2022 में पूछा है। क्या पूछा था कि कॉल ऑफ द वैली जो कि 1967 में प्रकाशित एल्बम में हुआ, किसने गाया है या किसने लिखा है, तो क्या हो जाएगा, शिव कुमार शर्मा। इनको पद्म भूषण मिल चुका है 2001 में, हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है शिव कुमार शर्मा। तीन बात याद रखिए, पद्म भूषण 2001 में मिला, संतूर बजाते हैं, पिता इनके कौन थे, उमादत्त शर्मा जो की तबला बजाते थे, कॉल ऑफ द वैली भी इनका ही एक एल्बम है। अगला रुस्तम सुपारी, रुस्तम सुपारी, वर्षा अग्रवाल और तरुण भट्टाचार्य। ठीक है, आपको ऐसा मतलब सोचते हैं एक जंगल का सीन क्रिएट कर दीजिए, जंगल में तरुण है, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, वहां पे वर्षा हो रही है और वहां पे सुपारी, सुपारी का तो लंबा लंबा पेड़ होता है। आपको वैसे याद रखेंगे कि संतूर वहां पे बज रहा है, शिव कुमार शर्मा बजा रहे हैं, वर्षा हो रहा है, तरुण है वहां पे, और फिर वहां पे सुपारी का पेड़ है। तो आपको ये चार नाम, बस ये चार नाम ही इम्पोर्टेंट है संतूर के लिए, शिव कुमार शर्मा, रुस्तम सुपारी, वर्षा अग्रवाल और तरुण भट्टाचार्य। ठीक है, इसमें से ज्यादा कुछ खास नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ। अगला हमारा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है सरोद। सरोद क्या है, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत है। अगर क्लासिकल म्यूजिक की बात करें तो उसमें एक सरोद भी आता है। इसके प्रमुख वादक देखते हैं, इसमें ज्यादा कुछ खास देखने को है नहीं। प्रमुख वादक है अमजद अली खान। ठीक है, अमजद अली खान एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट नाम है रविशंकर और शिव कुमार शर्मा की तरफ। अमजद अली खान प्रमुख वादक किसके, सरोद के, और इनको सरोद सम्राट भी कहा जाता है। सरोद सम्राट इनको कहा जाता है, अमजद अली खान। अगर आपको दो नाम और इम्पोर्टेंट है जो याद रखना है, अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान। अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान याद रखना है किससे, सरोद से, और अमजद अली खान तो याद रखना है सरोद सम्राट कहा जाता है। विश्वजीत राय चौधरी, देखिए ये जो तीन नाम मैंने लिखे हैं ये इस बार सीजीएल में आए, सीजीएल में इन तीन नामों के बारे में सोचा गया, विश्वजीत राय चौधरी, अली अकबर खान और अलाउद्दीन खान। आपको ये भी याद रखना है हाफिज अली खान का संबंध मुकेश शर्मा का, और बुद्ध देवदास गुप्ता का संबंध भी किससे है, सरोद से। तो सरोद बजाने वाले कौन कौन हो गए, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, हाफिज अली खान, मुकेश शर्मा, बुद्ध देवदास गुप्ता। जैसे ये चार नाम आपको इम्पोर्टेंट है याद रखना है, इन तीनों को भी याद रखना है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारा शहनाई। शहनाई का सुनने का ऐसे जो होता है ऐसे बजाने वाला शहनाई, आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं। बिस्मिल्ला खान, अगेन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट नाम है ये बिस्मिल्ला खान। सबसे पहली बात तो ये बिहार के थे, ठीक है, और इनको भारत रत्न मिल चुका है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस दर्जे के ये कलाकार हैं, इनको भारत रत्न मिला है किसके लिए, तो शहनाई बजाने के लिए। और कब मिला, 2001 में मिला था इनको भारत रत्न। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि भारत रत्न कब मिला था, ये पूछा गया है कि भारत रत्न किनको मिला था, इन चार ऑप्शन दिए गए थे उसमें से। तो बिस्मिल्लाह खान इज द राइट आंसर, और कब मिला, 2001 में मिला। अब और दो और इम्पोर्टेंट नाम जो कि इस बार पूछे गए सीजीएल में, देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस साल के सीजीएल और स्केल में सब क्वेश्चन पूछे गए ताकि आपको आइडिया लगे कि ये नाम इम्पोर्टेंट है, और अगली बार जो मतलब 2023 में होगा एसएससी के एग्जाम जैसे एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, इन सबके सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अली अहमद हुसैन खान और दया शंकर जगन्नाथ। अली अहमद हुसैन खान, दया शंकर जगन्नाथ आपको याद रखना है, शहनाई बजाते थे। फिर अनंत लाल, मधुकर टी धूमल और बागेश्वरी कंवर, ये तीन नाम भी आपको याद रखने हैं, अनंत लाल, मधुकर टी धूमल और बागेश्वरी कंवर। ठीक है, यह था शहनाई। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। अब जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है तबला। तबला बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट इनके प्लेयर्स हैं जो कि तबला को बजाते हैं, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे तबला से। ठीक है, तो इसमें एक बड़ा नाम है क्या है, जाकिर हुसैन। आप सभी ने मुझे उम्मीद है वो एड देखा होगा जिसमें वाह ताल बोलते हैं, जाकिर हुसैन तबला बजाते रहते हैं, वो पूरा एकदम एक वैली जैसा रहता है। तो आपको इतना पता होगा कि जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं, आपने वो जरूर देखा होगा तबला बजाते हैं।
और अल्लाह रखा खा कौन, अल्लाह रखा खा कौन थे, इनके पिता थे। यानी कि अब सिर्फ अगर अगर क्वेश्चन पूछता है कि अल्लाह रखा खा के पुत्र कौन है, तो जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन के पिता कौन है, तो अल्लाह रखा खा। और दोनों ही क्या बजाते थे, दोनों ही तबला बजाते हैं, थे और है। फिर है अगला नाम ये ए बी सी किसान महाराज, ठीक है। एक तो बिरजू महाराज, बिरजू महाराज क्या थे, नर्तक थे, मतलब वो डांस करते थे। कौन सा डांस, नॉर्थ इंडिया का कथक डांस करते थे वो बिरजू महाराज, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वो हम लोग जब अगला वीडियो लेके आएंगे डांस से रिलेटेड, तो उसमें उनको देखेंगे। यहाँ पे क्या है, किशन महाराज, किशन महाराज जो कि क्या बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं। सुखविंदर सिंह, स्वपन चौधरी, उस्ताद सफत अहमद खान, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, आपको हमेशा याद रखना है। अल्लाह रखा खा उनके पुत्र जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन उसके बाद फिर आपको याद रखना है किशन महाराज जो कि तबला बजाते हैं, सुखविंदर सिंह, स्वपन चौधरी, उस्ताद सफत अहमद खान, ठीक है ये नाम। फिर अगले और नाम है अनोखे लाल मिश्रा। तबला क्या एकदम अनोखा होता है ना, उसे याद रख सकते हैं कि एकदम अनोखे तरीके से क्या जाकिर हुसैन बजा रहे हैं, तो आप याद रख सकते हैं कि अनोखे लाल मिश्रा तबला बजाते हैं। निखिल ज्योति घोष, जाकिर हुसैन तबला बजा रहे हैं, उनके अंदर से ज्योति आ रही है, ऐसा आप इमेजिन कर लीजिए तो आपको याद रहेगा पंडित निखिल ज्योति घोष, क्योंकि ये नाम ही इम्पोर्टेंट है। आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, ये बनारस बनाना के थे, बनारस पता है उत्तर प्रदेश में। अगला वीडियो जो आएगा इसका सेकेंड पार्ट आएगा, आज हम इसमें एक और इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे जिसका सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें इन सब चीजों को डील करेंगे घराना होंगे। फिर उस्ताद साबिर खान, ये सब नाम आपको याद रखने हैं किससे, तबला से। अब हम लोग आज के इस वीडियो के लास्ट इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो अदर बाकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और जो इंस्ट्रूमेंट्स उनको देखेंगे। अब हमारा इंस्ट्रूमेंट है वॉइसिंग, वाइलिन से रिलेटेड कुछ नाम है, ये फैमिलियर नाम उतने नहीं है आपको, लेकिन फिर भी याद रखते हैं, कॉम्प्लीमेंट जरूर लीजिएगा। टी एन कृष्णन, विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर एन राजन, लक्ष्मी नारायण, अम्बी सुब्रमण्यम, एन आर मुरलीधरन, वेंकटेश स्वामी नायडू, नंदनी ललिता, संदीप ठाकुर, ज्योत्सना श्रीमान, ये चार नाम सीजीएल में पूछे हुए हैं इस बार के सीजीएल 22 में, और ये चार नाम तो अक्सर रिपीट होते ही हैं। टी एन कृष्णन, विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर एन राजन, लक्ष्मी नारायण और अम्बी सुब्रमण्यम, आपको याद रखना है। इन सभी का संबंध किससे, वायलिन से। एन आर मुरलीधरन, वेंकटेश स्वामी नायडू, नंदी ललिता, ये नंदी ललिता तो आपको याद रहेगा क्योंकि इजी नेम है, मतलब वायलिन से लेकर के वायलिन समझ के शाहरुख खान वायलिन बजा रहे हैं और नंदी ललिता उनके पिता होते हैं, कुछ भी आप निमोनिक्स लगा सकते हैं। फिर संदीप ठाकुर और ज्योत्सना श्रीमान, यहाँ पे ये आप यहाँ से टी एन यहाँ से आया, एन यहाँ से आया, एन आर मुरलीधरन आया, तो तीन एन तो आपको याद रहेगा, तीन एन वायलिन से संबंधित है, टी एन कृष्णन, डॉक्टर एन राजन और एन आर मुरलीधरन। फिर आया विष्णु गोविंद जो गोविंद पांचवे के साथ साथ, जब जब गोविंद मतलब कृष्ण जी, विष्णु मतलब विष्णु जी, तो जब कृष्ण जी के साथ विष्णु जी आ जाते हैं तो वायलिन बजाते हैं, तो ये नाम भी आपको याद रहेगा। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण गोविंद यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, ये भी उनके साथ बैठ के वायलिन बजाते हैं, और अम्बी सुब्रमण्यम इसको आप याद रख लीजिएगा। तो ये आज का वीडियो था, इसमें हम लोगों ने छह इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखा। अब अगले वीडियो में आपको जो अदर बचे रह गए इंस्ट्रूमेंट उनके और उनके प्लेयर्स के नाम और कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जो पॉइंट्स हैं फैक्ट्स, वो भी आपको मैं अगले वीडियो में कवर कराऊंगा, लिंक उसका आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।